तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सफर पे पर। और मैं जा रहा हूँ अपनी होंडा हाइनेस के साथ, अपनी पहली फर्स्ट मेरी राइडिंग होने वाली है लंबी वाली, जो है हिमाचल प्रदेश की। और ये टूर होने वाला है धमाकेदार और फुल राइडिंग गियर्स और फुल पैक करके अपनी होंडा हाइनेस को मैं निकल पड़ा हूँ अपने इस टूर पर, जो होने वाला है तकरीबन 7 डेज का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने हिमाचल ट्रिप की, जब मैं गया था अटल टनल। और मैंने अपनी बाइक से जो पहली ट्रिप कही, सबसे पहली ट्रिप वो थी मेरी हिमाचल प्रदेश की, और मेरी मनाली अटल टनल तक की ट्रिप थी वो, जो मैंने फर्स्ट टाइम करी थी। तो ये मैंने अपनी बाइक रही थी होंडा हाइनेस नवंबर में, और मैं दिसंबर में निकल गया था अपनी ट्रिप करने के लिए, फर्स्ट एवर ट्रिप फ्रॉम माई बाइक। तो ट्रिप थी मज़ेदार, करीब 7 डेज़ का वो ट्रिप था। आपने सुना अभी, मैंने बताया अपनी वीडियो के जरिए, 7 डेज़ की ट्रिप थी। और चलिए, मैंने उस ट्रिप को जो है आपको अलग अलग पार्ट्स में दिखाया था, अब मैं आपको एक ही पार्ट में आपको कुछ सुनी कुछ अनसुनी, कुछ देखी कुछ अनदेखी, आपको जो है वहाँ की वीडियोस, वहाँ की जो मेरी यात्रा थी उसके बारे में आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूँ। तो चलें अपनी इस ट्रिप को जारी रखते हैं, और मैं बताता जाऊँगा बीच बीच में कैसे कैसे पहुँचा अटल टनल तक। और आपको कुछ चेंज नज़र आ रहा होगा, हाँ जो मेरा लुक है ये दाढ़ी वाढ़ी सब गायब है और बाल बाल छोटे हो गए हैं, तो मतलब लॉकडाउन में कुछ करने को था नहीं, मैं सोचा चलो यही कर लिया जाए, तो क्लीन सेव हो गए, अपना बाल बाल छोटे करवा लिए और लुक बिल्कुल ही अपना चेंज कर लिया। चलो कोई बात नहीं, तो कंफर्टेबल भी रहना चाहिए, गर्मी में वैसे भी दाढ़ी जो है वो इचिंग देती है ज़्यादा, तो मेरे को आदत नहीं थी याद रखने की, कर दिया काम ख़त्म उसका, कटवा दी। चलिए कोई नहीं, अब आगे बात करते हैं अपनी। तो फर्स्ट डे जो है वो हम पहुंच पाए थे केवल पंजाब के खरड़ तक, और करीब रात को 9 बज गए थे, हमको 9 से आधे बज गए थे खरड़ तक पहुंचने में, और काफ़ी टाइम लग गया हमको। एक्चुअली हम दिन में भी काफ़ी लेट निकले थे, एक्चुअली 12:30 के अराउंड में निकला था, 1 बजे के अराउंड निकला था, तो रात हो गई थी काफ़ी खरड़ तक पहुँचने में। और हमने वहीं पर स्टे किया अपना फर्स्ट डे का, उसके बाद थके हारे हम पहुँचे, खाए पिए सो गए, अगले दिन हम उठे और अपना सामान पैक करने लगे, देख सकते हो आप, सामान पैक किया हमने और निकल पड़े आगे की तरफ। तो नेक्स्ट डे हम गए मंडी तक, तो अब चालू होने वाला है मंडी तक का सफ़र, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा, आप एंजॉय करेंगे मंडी तक का सफ़र, क्योंकि इसमें पहाड़ों का सफ़र ज़्यादा से ज़्यादा है, और पहाड़ों का जो नज़ारा है वो किसको पसंद नहीं आता है। तो चलिए अब मंडी तक का सफ़र जारी रखते हैं अपना सेकेंड डे का, हमारी होंडा हाइनेस भी तैयार है, बस रेडी है चलने के लिए, तो निकलते हैं और यात्रा प्रारंभ करते हैं अगले दिन की। सो ऑल सेट, आप देख सकते हो ये मेरे सामने पूरी बाइक तैयार, हम भी हैं तैयार, ये हैं राइनोस के ग्लव्स। मज़े आ रहे हैं पहाड़ों पे, और हवा में ठंडक है, और अभी यहाँ पे धूप भी काफ़ी तेज़ है, वैसे तो कहीं खड़े हो जाओ तो धूप नहीं लगती है तेज़, और जब चलने लगो तो ठंडी ठंडी हवा मज़े दिलाती है, थोड़ी सी स्पीड बनी रहे तो चलाने में भी थोड़ा आनंद आता है। तो वही चीज़ है कि पहाड़ों के मज़े हम ले रहे हैं, और बस एंजॉय कर रहा हूँ मैं इस रूट को। मैं कह रहा था आपसे कि पीलन भी साथ में है और लगेज भी फुल है, और बाइक में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, गड्ढों से भी बड़े प्यार से निकल जा रही है, उबड़ खाबड़ रोड्स भी काफ़ी आई थी पीछे, यहाँ काम चल रहा है सड़क बनाने का, तो उस टाइम ऐसा पीलन सीट पर बैठा हुआ, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भैया ये क्या हो रहा है, जाम हो रहा है तो पूरा जाम है, इतना तगड़ा जाम, मैं ऐसी अरे भाई, तो बस निकल ही जाएंगे फटाफट से, बस
देख रहे हो ट्रक कहाँ खराब हो रखा है, बिल्कुल बीच रोड पे, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। चलो जी निकल गए। देखो कितना लंबा जाम लग रहा है, आप देखो मैं निकल के आया, उसके आगे तो काफ़ी दूर तक आ चुका हूँ मैं, और ये देख सकते हो आप क्या हालत है यहाँ पे। तो जी हम पहुंच गए अब मंडी, और मंडी तक का सफ़र हमारा काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा रहा और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहा। वादियों के नज़ारे मज़ेदार थे बहुत ही ज़्यादा, और फर्स्ट टाइम मैं निकला था बाइक से तो मज़ा इंजॉयमेंट फुल था, एकदम मज़ा आ गया बहुत ही ज़्यादा, और अच्छा खासा लंबा सफ़र था तो इंजॉय करते हुए गए। और माहौल बहुत अच्छा, एक्चुअली में ना वेदर बहुत अच्छा, दिसंबर का महीना वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और उसमें भीनी भीनी धूप और ठंडी ठंडी हवा जब लगती है ना तो भाई मज़ा आ जाता है। ऊपर से आप बाइक चला रहे हो तो आपको खुली हवा लग रही है, फुल एकदम मज़ेदार, आप मौसम का मज़ा लेते हुए, वादियों का मज़ा लेते हुए चल रहे हो तो अलग ही सीन होता है वो, बिल्कुल ही तो अलग ही एक्सपीरियंस था बिल्कुल। तो हम पहुँच गए थे मंडी, और मंडी में हमने एक होम स्टे लिया था, वहाँ पर हम नाइट को हमने स्टे किया, और वो ऑन रोड ही था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं ढूंढने में। और उसके बाद हम निकल पड़े तीसरे दिन मनाली के लिए। तो मनाली का ट्रिप मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ से, और इन्जॉय कीजिए मेरा मनाली तक का ट्रिप जो है, और उसके बाद सीधे चलेंगे अटल टनल। तो ये है मंडी का बस स्टैंड, यहाँ से बस मिल जाएंगी आपको मनाली के लिए भी, और आपको नीचे आना है वहाँ के लिए भी मिल जाएंगी। और काफ़ी पत्थर वत्थर गिरे हुए हैं यहाँ पे, मतलब गिरे तो नहीं है, यहाँ पे काटे जा रहे हैं पत्थर यहाँ पे रोड चौड़ी करने के लिए, तो इस तरह देख सकते हो आप पत्थर कितने सारे जो है यहाँ पे तोड़े जा रहे हैं। तो ऐसे ही जगह जगह जो है यहाँ पे काम चल रहे हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक भी लग जा रहा है कई बार। और मेरे इधर देखो नज़ारे देखो पहाड़ों के, यार गज़ब है ना, और ऊपर पहाड़ों पर धूप आती हुई। तो कुल्लू रह गया क्या 70 किलोमीटर, मनाली 61 किलोमीटर, और इस तरीके की रोड है आप देख सकते हो पूरी। कितना भयंकर पुल है भैया, पुलगा डैम 50 किलोमीटर, मणिकरण 35 किलोमीटर, और ये नीचे मेरी व्यास नदी बहती हुई, और ये सामने लोहा पुल। और ये व्यूज देखो, व्यूज ये गजब के हैं। तो आपने देखा ये नई वादियाँ जो हैं, हसीन वादियाँ आपको नज़र आने लग गई हैं, सामने बर्फ़ के पहाड़ भी नज़र आने लग गए हैं, मतलब हम पहुँचने वाले हैं मनाली। और तीसरे दिन हम पहुँच गए थे मनाली तक, और मनाली में हमने स्टे किया था, वहाँ पे होटल लिया था, और काफ़ी शानदार रहा था हमारा यहाँ तक सफ़र अभी तक, और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करता हुआ एक्सपीरियंस, एक एकदम नया था मेरा बाइक पर, और बाइक की जो परफॉर्मेंस थी ना वो गजब की थी भाई साहब, बहुत ही गजब की थी, मज़ा आ गया मतलब चला कर। और जो उसका पिकअप है ना एक्चुअली में बहुत ही मुझे शानदार लगा, बहुत ही शानदार, कहीं पे भी लैग नहीं करती है, और एकदम ऐसे उठती है ना एकदम
धड़ल्ले से, मतलब थ्रोटल बहुत अच्छा है उसका बाइक का, तो मज़ा बहुत आया चलाने में इस बाइक को लेकर ना। मतलब मेरे को लगता है कि फर्स्ट टाइम भले ही मैंने एक बाइक से टूर किया हो, मगर मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो कमाल का था इस बाइक के साथ। तो फाइनली हम एक पहाड़ देख चुके हैं, आगे देख चुके बर्फ़ वाले पहाड़ देख चुके हैं, हम पहुँचने वाले हैं मनाली। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे जब मैं जाने वाला हूँ अटल टनल के लिए, और अब जो है फाइनल डे हमारा चालू हो गया है जिस दिन मैं पहुँचूँगा। और इस दिन क्या क्या होता है ये आपको दिखेगा, क्या क्या नज़ारे दिखेंगे आपको इस दिन, तो आप वो तो आप खुद देख लो। और ये वाला नज़ारे जो है ना ये सबसे ज़्यादा हट के, सबसे ज़्यादा अलग, बिल्कुल बेहतरीन कमाल के, मतलब कह लो गॉर्जियस वो वाले नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो मेरे सामने क्या ब्यूटीफुल सीन है यार, देखो सामने ये स्नो वाले पहाड़, और वही कहीं हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। नीचे मेरे व्यास नदी बहती हुई और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। आगे से देखो जाने का रास्ता भी है व्यास नदी तक, वहां से लोग जो है वहां पे जा गए भी हुए हैं। और पानी के पास जाओगे, पानी में अपने पैर रखोगे, फ़िलहाल तो जम जाओगे क्योंकि महीना है दिसंबर का। तो यहाँ पर सोलंग वाली जाने के लिए यही रास्ता है, तो यहाँ पर जो है जगह जगह उसके कपड़े मिल रहे हैं, मोटे कपड़े आइस में खेलने के लिए। और ये हनुमान मंदिर देखो यहाँ पे, प्राचीन संकट मोचन मंदिर जो रास्ते में पड़ता है। और ये देखो यहाँ पे जगह जगह जो है यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे मतलब दुकानें हैं शॉप्स, जिसमें आप यहाँ से कपड़े रेंट पे ले सकते हो। ओए होए नज़ारे तो देखो गजब, और मैं सामने देखो बहुत ही बेहतरीन नज़ारे हैं। बस यही कांड हो गया भैया, क्या करें, यही मैंने आपसे छुपा रखा था जब से, मैंने को बताया नहीं था कि अपनी होंडा हाइनेस भी गिर चुकी है। मतलब 20 सड़क पे देखो तो 20 सड़क पे एकदम से बोल गई नीचे, आ गया नीचे मैं भी साथ में। और ये हुआ क्यों, एक्चुअली मैं किसी की गलती नहीं थी ना मेरी गलती थी, मैं यहाँ से वापस टर्न कर रहा था रोड से, पीछे की तरफ जाने वाला था, और जाकर मैं सोच रहा था कि एक वहाँ से वीडियो बनाई जाए मेरे आने की। तो उसके लिए मैं जब टर्न कर रहा था अपनी बाइक को, तो एक्चुअली मैं उल्टी साइड टर्न करता था, राइट की तरफ उल्टा हो जाता है हमारे जब टर्न करते हैं, तो उस तरफ जो है ना हमारा सपोर्ट जो है अच्छे से बनता नहीं है, ऊपर से मेरे पास लगे ऐसा अच्छा खासा, तो बस पाँव हल्का सा स्किट किया मेरा, जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ा और बाइक आ गई नीचे। तो इसमें किसी गलती नहीं थी एक्चुअली, में हो सकता मेरी गलती हो कि मैंने सही से संभाला नहीं, और एक्चुअली में वेट ज़्यादा हो गया था एक तरफ को, एक्चुअली में जो दोनों बैग थे ना उसमें वेट जो था ना बराबर नहीं था, इस वजह से जो है एक तरफ को बाइक झुक गई ज़्यादा, वो अभी रॉन्ग साइड झुक गई इसलिए वो नीचे गिर गई। तो इसी वजह से ये जो है हादसा हो गया, मतलब हादसा नहीं हुआ बाइक गिर गई, बस ये था हादसा जब होता अगर किसी से एक्सीडेंट हो जाता तो। उस टाइम कोई गाड़ी नहीं आ रही थी आगे पीछे से, तो होपफुली पूरी तरह से बच गए। थोड़ा सा उसका हैंडल जो है, सॉरी थोड़ा सा उसका जो ब्रेक है ना वो थोड़ा सा बेंड हो गया था, तो मैंने वापस आया जब यहाँ पर दिल्ली, जो मैंने उसको चेंज करवा लिया था, और कोई भी किसी से दिक्कत नहीं आई, बाइक बिल्कुल शानदार तरीके से मस्त एकदम चलती रही। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको बता दिया कैसे हुआ था। अब यहाँ से पहुँचने वाले हैं सीधे अब सीधे अटल टनल की तरफ, और यहाँ से देखो क्या सीन आने वाला है, अभी देखना बर्फीला सीन आएगा बहुत ही बढ़िया वाला, आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूँ आपको वो वाला सीन। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं सोलंग वैली, आप देख सकते हो
तो ये कुछ इस तरह से पूरा नज़ारा है सोलांग वैली का। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे में हम आ गए हैं। अब आने लगी है स्नो और ये आगे बढ़ती जाएगी अटल टनल तक। देखते हैं कितनी ज़्यादा मिलती है। ये देखो सामने मेरे क्या स्नो है, मज़ेदार कमाल। तो ऐसा ही अब नज़ारा दिखने वाला है पूरे रास्ते। ये क्या है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ब्रो वेलकम्स यू। कितने शानदार बना रखी है ये, पहाड़ से जो है लैंडस्लाइड के पत्थर ना गिरे इसकी वजह से ये अगर यहाँ पे शेड सा बना दिया एक तरीके से। तो देखो इधर स्नो का तो बिल्कुल यहाँ पे भंडार है भंडार। काफ़ी लंबा जाम है, अच्छा खासा, क्या बात है। तो मेरे सामने आप देख सकते हो ये अटल टनल। हाँ ठीक ठीक, एक मिनट। अच्छा क्या बंद करना पड़ेगा भाई, आइस है आइस। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे पंगा था, ये बिल्कुल अटल टनल के सामने एकदम बिल्कुल पीछे रुके हुए हम। सामने अटल टनल का गेट है देखो वहाँ पे, इसमें क्या नहीं रहा है मैं बता देता हूँ आपको। सीधे अटल टनल का जो ना मेन जो एंट्रेंस था वो सामने था, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी जो आपकी आर्मी खड़ी थी यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपको कैमरा बंद करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। तो उसमें मैंने क्या किया, उस समय मैंने कैमरा अपना यहीं पर साइड में ला के गाड़ी कैमरा बंद कर दिया। अब मैंने सोचा कि चलो आगे जब एंट्रेंस पर जाएंगे तब अपना कैमरा चालू कर लेंगे। अब प्रॉब्लम यहीं पर आई, मैंने बता चुका हूँ कि मेरा कैमरा ऑन नहीं हुआ, तो यहीं पर एक प्रॉब्लम वही वाली आ गई थी कि कैमरा बंद तो कर लिया मैंने, फिर जब कैमरा ऑन करने लगा तो पता नहीं क्या इसमें दिक्कत आई, कैमरा ऑन ही नहीं हुआ। और प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे बीच में हम कहीं पे भी बाइक रोक नहीं सकते थे, यहाँ पे बाइक गाड़ी कुछ नहीं रोक सकते, अगर रोकेंगे जुर्माना लग जाएगा तो आप पर केस भी कर सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम थी यहाँ पर, इसलिए मैं अपनी बाइक को रोक कर वापस कैमरा को ऑन नहीं कर पाया, मुझे जाना ही था आगे सीधे कंटिन्यू। उसमें मैंने कई बार पूरे रास्ते कई बार मैंने कोशिश करी कि वापस से कैमरा जो है ऑन हो जाए, मगर कैमरा ऑन नहीं हुआ मेरा। तो भैया GoPro ने उस टाइम धोखा दे दिया जब मैंने एंटर किया। तो भैया ये तो हमारी एंट्रेंस की जो है ना वो वीडियो नहीं बन सकी, मगर मैंने पार करके फिर पूरी वीडियो बनाई है और वापसी में भी मैंने वीडियो बनाई थी, देखो थोड़ी झलक मैं आपको इसमें दिखा दूँगा। बाकी इसको पार करने के बाद जो नज़ारा है ना वो तो भाई साहब अल्टीमेट अल्टीमेट। और यहाँ का टेम्परेचर वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल अलग, जैसा कि आप पूर्व पश्चिम में खड़े हो, यहाँ पे अगर आपका मान लो 5 डिग्री है तो वहाँ पे -2, -3 डिग्री, -4 डिग्री इसके आसपास चला गया होगा। बहुत ही मतलब इतना -10 डिग्री के आसपास का फ़र्क समझ लो मेरे को लगता है कि होगा यहाँ से वहाँ तक का, इतनी दूर में जो आप कम से कम मेरे ख्याल से 10 से 12 मिनट में ये पूरी टनल पार कर लेते हो, बहुत ही दूर में इतना फ़र्क आ जाता है बताओ। तो चलिए चलते हैं आगे और आगे का नज़ारा देखते हैं कि क्या नज़ारा था अटल टनल पार करने के बाद। ये तो स्किट मार रहे हैं भैया, देखो यहाँ पे ब्लैक आइसेस है नीचे, तो स्किट मारने का पूरा हिसाब किताब बन रहा है यहाँ पे। और इधर का टेम्परेचर जो है ना भाई साहब -डिग्री है। तो जैसे जैसे अटल टनल के हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता जा रहा था और ठंड बढ़ती जा रही थी और एकदम ग्लव्स में भी हाथ एकदम काँपने लगे। तो इस छोर पे तो टेम्परेचर बिल्कुल अलग ही है, -डिग्री। और मेरे सामने का नज़ारा देखो आप, ब्यूटीफुल सीन। ये सामने ये है जन्नत, असली जन्नत जो नसीब हुई है हमें अटल टनल क्रॉस करके। और यहाँ देखो ये पूरा बाइक स्टैंड है, यहाँ पे सबने बाइक खड़ी कर रखी है अपनी और ये सब देखने आए हैं यहाँ पे अटल टनल। और ये सामने का नज़ारा देखो आप एक बार,
गजब है ना झांसू। तो ऐसा कुछ नसीब हुआ है हमको, ऐसा एक्सपीरियंस अटल टनल पार करने के बाद, और ये सब पॉसिबल हुआ है मेरी होंडा हाइनेस के साथ। तो बताओ, पहला एक्सपीरियंस रहा मेरा बाइक का, और पहला टूर रहा मेरा बाइक का, और उस पे हम आए सीधे अटल टनल पार करके इस जन्नत में, इस जन्नत को देखने के लिए। देखो लोग नीचे जो है वहाँ पे खेल भी रहे हैं, और पूरा नीचे वहाँ पे पूरा फ्लैट एरिया है, बच्चे भी हैं और सब लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं अपना बर्फ़ में, और वहाँ पे नदी बहते हुए काफ़ी शानदार नज़ारा है, बहुत ही प्यारा लुक है। तो ये खड़ी है अपनी होंडा हाइनेस, और यहाँ से नज़ारे देखो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, और दूसरे छोर का नज़ारा बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही अलग हो जाता है एकदम। और ये है असली जन्नत, जहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। तो वापस निकल रहे हैं अभी अटल टनल से, और आप देख सकते हो प्रोजेक्ट दीपक वेलकम्स यू टू चंद्रा ब्रिज। तो आप देख सकते हो ये मेरे सामने ये नज़र आ रही है, ये है अटल टनल, और बस इसी टनल से अब मैं वापस जाने वाला हूँ। चलिए एंटर कर रहे हैं अटल टनल के अंदर, और ये देखो कुछ इस तरह का नज़ारा है अटल टनल का, शानदार। और ये देखो क्या नज़ारा है अटल टनल का, ज़बरदस्त बेहतरीन अटल टनल बनाई है। एक्चुअली मैं वापस जा रहा हूँ इस अटल टनल से, और इसके अंदर जो है ठंड तो ख़तरनाक ही बढ़ जाती है, जैसे जैसे आप एग्जिट पे जाते रहोगे, जितना हम वापस एंट्रेंस की तरफ जाएंगे उतनी ठंड कम होती जाएगी, क्योंकि तो एक छोर पूर्व है तो एक छोर पश्चिम है, कुछ ऐसा ही नज़ारा मिलेगा आपको दोनों तरफ निकलने पर, कुछ ऐसे टेम्परेचर में फ़र्क देखेगा आपको दोनों तरफ निकलने पर। तो ऐसा था मेरा सफ़र अटल टनल तक का, और इसमें बहुत सारे देखो आप इंसिडेंट भी हुए मेरे साथ, और मतलब जैसे मैं गिर भी गया, और वहाँ की वीडियो भी नहीं बन पाई अटल टनल एंटर करने की, वापसी की तो मैं थोड़ी सी आपको दिखा दी, और वहाँ का नज़ारा जो था वो तो कमाल गई था। और उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो देख के चले आते हैं, 70% लोग करीब देख के चले आते हैं वीडियोज़ को, सब्सक्राइब नहीं करते। भैया सब्सक्राइब करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरा चैनल बढ़ेगा, और मैं नए नए ब्लॉग्स अच्छे अच्छे बना सकूँगा नए नए टूर करके आपके लिए। और बताइएगा ब्लॉग आपको कैसा लगा, चलिए आपका वेट करूँगा मैं आपके कमेंट का, आपका लाइक का, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम ब्लॉग है सफ़र पे अंडरस्कोर ब्लॉग, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फोटोज आपको देखने को मिलेंगे मेरे इस टूर के भी, और भी बहुत सारे टूर जो मैंने किए हैं उनके भी, और आगे भी डालता रहूँगा मैं अच्छे अच्छे रील्स सब कुछ डालता रहूँगा आपके लिए। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।